सब्सक्राइब कीजिए स्काई स्टार्टअप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट बिजनेस आइडियाज के लिए। हेलो दोस्तों, मैं शौर्य स्काई स्टार्टअप में नए एपिसोड में आपका स्वागत कर रहा हूँ। दोस्तों, आज हम आपको शूज बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं। शूज की शॉप कैसे खोल सकते हैं, कहाँ होनी चाहिए, वह कितना खर्चा आ जाता है, आज इन सभी जानकारी के लिए हम आए हैं शूज स्टॉपर्स के पास। शूज के सारे बिजनेस के बारे में हिमांशु सिंह से बात करने वाले हैं। हेलो हिमांशु। हेलो हिमांशु जी, आप कितने समय से ये शूज का बिजनेस कर रहे हैं? एक साल हो गया कम से कम। एक साल हो गया। जैसे ये फैशन और ज़रूरत दोनों का बिजनेस है, तो क्या ऐसे डेकोरेटेड शॉप बनानी ज़रूरी है या फिर नॉर्मल चीज़ें भी कर सकते हैं आप? नहीं भैया, कम से कम तो थोड़ी बहुत डेकोरेशन तो चाहिए जी, इससे कम से कम तो करना ही पड़ेगा जी, ये डेकोरेशन करना पड़ेगा। आपने स्टार्टिंग कितनी वेराइटी से की? स्टार्टिंग भैया हमारी कम से कम, मेरा थोड़ा बहुत माल तो मतलब अपने अकॉर्डिंग लाना ही पड़ेगा, कम से कम 250-300 पीस तो लाने ही पड़ेंगे जी। जी भैया, अभी मैं देख पा रहा हूँ स्पोर्ट्स शूज है आपके पास, स्नीकर्स हैं और लेदर शूज वगैरह नहीं है? लेदर की अभी वैरायटी लाए नहीं है हम, थोड़े दिन में वो भी लाएंगे हम जी। तो आपने ये स्पोर्ट्स और स्नीकर्स दोनों से स्टार्ट किया था? दोनों से स्टार्टिंग किया था जी। अच्छा, ये आपने कितनी कंपनियों के साथ स्टार्ट किया था? ये मैं कम से कम कुछ कंपनियाँ है, प्यूमा, एडिडास, रिबॉक, नाइक, इन सब कंपनियों के साथ करा था, स्केचर हो गए जी, एसिक्स, इन सब से करा था जी। ये काफ़ी अच्छी कंपनियाँ हैं। आजकल एक और टर्म भी चल रहा है, फर्स्ट कॉपी जी, वो क्या होता है? हमारे पास ये भैया दोनों वेरायटी हैं, फर्स्ट कॉपी भी है, इधर ओरिजिनल वाले भी हैं जी। फर्स्ट कॉपी में क्या अंतर होता है और ओरिजिनल में क्या अंतर होता है? भैया देखो, ओरिजिनल तो ये वाला ही है जी, और फर्स्ट कॉपी है भैया जिनका ओरिजिनल काफ़ी हाई रेंज का है उनका फर्स्ट कॉपी है भैया। ये वाला हमारा फर्स्ट कॉपी है और जैसे ये वाला शूज हो गया, हाँ। ये वाला ओरिजिनल है जी। जी भैया, इनमें अंतर क्या होता है सर? भैया ये तो होता है कि हाई रेंज का जो होता है इनका फर्स्ट कॉपी आ रहा है, और ये वाला भैया ये बिल्कुल ओरिजिनल है फर्स्ट जी। इसके इनका इनमें थोड़ा सा अंतर मिलेगा आपको, ज़्यादा नहीं मिलेगा, बिल्कुल थोड़ा सा मिलेगा, ये बिल्कुल अंतर मिलेगा, हाँ थोड़ा मिलेगा, ऐसी बात नहीं, फर्स्ट कॉपी है जब, ये बिल्कुल प्योर गारंटी का ओरिजिनल है। अच्छा, ये माल आता कहाँ से? भैया माल तो ये सब अलग अलग जगह से आता है, किसी का दिल्ली से है, किसी का कहीं से, जहाँ जिसका जैसा संबंध वहाँ से आता है। जैसे कोई फर्स्ट कॉपी का बिजनेस स्टार्ट करे तो वो माल कहाँ से आएगा? भैया वो आएगा दिल्ली से। दिल्ली से? दिल्ली से जी। ये GST वगैरह सब लग के ट्रांसपोर्ट से आएगा या आप अपनी गाड़ी से भी ला सकते हैं? फर्स्ट कॉपी में तो कोई ट्रांसपोर्ट उसकी ज़रूरत नहीं GST की, और ये ओरिजिनल जो है इनमें GST वगैरह सब कुछ चाहिए जी। ओरिजिनल में लगभग कितना मुनाफा हो सकता है या इसमें फर्स्ट कॉपी कितना परसेंट का मुनाफा हो सकता है? लगभग सब में बराबर रहता है, 20-30% के लगभग सब में इतना ही रहता है। अगर मान लिया जाए कि 10,000 की बिक्री हुई आपकी, हाँ। तो लगभग अराउंड कितना? वही 20-25% इतना ही लगभग होता रहता है जी। हाँ, किसी में कम भी किसी में ज़्यादा, कोई पीस ऐसा आ गया नहीं भी बिकता, वो रखा है तो वो रखा ही रहेगा फिर जी, वो तो उसकी वजह से निकलता वही हिसाब। जैसे ये शॉप है और आप काम कर रहे हैं, तो क्या इसके लिए कोई बिजनेस लाइसेंस भी ज़रूरत होगी? जी हाँ भैया, GST नंबर वगैरह ये सब तो लेने ही पड़ेंगे तभी शॉप कर सकते। हिमांशु, जैसे हमारे पीछे ओरिजिनल शूज लगे हुए हैं, तो क्या ये सारे कंपनी से आते हैं या डीलर से आते हैं? जी भैया, ये वाले सारे जो डीलर से आते हैं है ओरिजिनल सब, तो ये होलसेल आते हैं। जैसा हमारा ये हो गया, इस पर हमारे भैया 50% ऑफ है जी, ये 7,000 MRP का है, तो ये आपको 3500 रुपये का पड़ेगा। हाँ। पूरे बिजनौर में सबसे सस्ता जूता आप ही देते हैं? भैया जी, इससे सस्ता अगर आपको पूरे बिजनौर में मिल जाए तो हम इस बात की गारंटी लेते हैं, और ऐसी बात नहीं, हमारे में कोई डिफेक्ट आता हमारा वापस है। और क्या आप कोई कटने फटने की भी गारंटी? भैया जी हाँ, पूरी गारंटी कटने फटने की, अगर हमारे कोई गारंटी कोई दिक्कत आती है वो हमारा वापस है बिल्कुल। आपको सोल की भी गारंटी, कोई जरा सी भी अगर कोई ओरिजिनल कोई कोई कॉपी बताता उसके डबल पैसे जी, ये बात ही गारंटी हमारी। हिमांशु जी, हमें एक बार अपनी रेंज और दिखा दीजिए जी। भैया जी, भैया ये हमारे अब कॉपी में आ जाओ, ये फर्स्ट कॉपी है हमारा जी, ये नाइक का ये वाला जी, इसे भैया 2100 रुपये का जी, ये पूरे बिजनौर की गारंटी का रेट है, इससे कम अगर कहीं मिल जाए तो। और भैया आर्टिकल, और भैया जी एक नया आया है जी, ये वाला भैया, ये वाला इसके प्राइस जो 1600 रुपये, 1600 रुपये जी भैया, फर्स्ट कॉपी ये वाले जी, ये फर्स्ट कॉपी वाले हैं। और एक भैया जी ये वाला, ये नाइक ज़ेडन जूब है जी, इसका भैया 2400 रुपये प्राइस। अगर इसके ओरिजिनल की बात करें तो वो कितने का आता होगा लगभग? ये भैया कम से कम 15-20 हज़ार के रेंज में आएगा कम से कम। तो जिन्हें शौक करना है, फैशन करना है, वो आराम से फर्स्ट कॉपी पहन सकते हैं अपने, वो काम है अपने हिसाब के, एग्रोनी के अपना तुम ले सकते हो इतने वाला जी, वरना 15-20 हज़ार का सेल लेने में हिम्मत चाहिए बिल्कुल, जाहिर सी बात है। और भैया और कॉपी में हमारे और भी वैरायटी है हमारे पास, ये हो गया भैया 1600 रुपये जी, ये वाला है एडिडास का, और भैया एक एडिडास का शार्क है, ये वाला भैया 1800-1900 हज़ार का ओरिजिनल है जी, ये 1800 रुपये में कॉपी है। और भैया एक वाला नाइक का 2700, ये वाला 1600 रुपये जी, बहुत और भी काफ़ी सारी वैरायटी हैं ये रही। अच्छा हिमांशु जी, आपने हमें काफ़ी सारी वैरायटी के शूज़ दिखाए, तो क्या आपके पास से कोई जूते लेते हैं तो उन्हें छूट वगैरह मिलती है, गारंटी वगैरह आप देते हैं यहाँ? जी भैया यहाँ पूरी गारंटी है और पूरी छूट भी है, ऐसी बात नहीं है, ओरिजिनल पे हमारी वही है लगाकर 30-50% तक है, और कॉपी में भैया हमारा काफ़ी डिस्काउंट है।
अच्छा, कोई शूज स्टॉपर्स का रेगुलर कस्टमर है तो उसके लिए कोई बेनिफिट? हाँ भैया, उसके लिए 10% और बेनिफिट जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे ये ओरिजिनल शूज़ हैं आपके पास, तो इन्हें लेने के लिए कोई कंपनी को फिक्स डिपॉजिट सिक्योरिटी वगैरह भी जमा करनी होती है? जी भैया हाँ, सिक्योरिटी हमने जमा कर रखी है अपनी। हमारे ऐसी बात नहीं है, वैसा कोई काम नहीं है, अपना गारंटी का है। अगर कोई दिक्कत आती है पूरा वापस है, कोई ये नहीं है कि आज बेच दिया कल को नहीं बेचना, लंबे टाइम के हिसाब है। ये नहीं एक दिन बेच लिया अगले दिन नहीं बेच। बिल्कुल। अच्छा हिमांशु, जैसे कोई नया व्यक्ति काम करना चाहे जूतों का, तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कितने कम से कम रुपए से वो स्टार्ट कर सकता है? ये देखो, तो अपने हिसाब के ऊपर है, किसी को 5 लाख, किसी को 10 लाख, किसी को 20 लाख, कोई कितना ही कर सकता है। भैया हमने कम से कम ना 6-7-8 लाख से स्टार्ट करा था। जी जी भैया, 7-8 लाख रुपए लगा के वो एक अच्छा सा सेटअप बना सकता है और जूते बेच सकते हैं। कम से कम तो लगाना ही पड़ता है। अच्छा, जैसे ये फैशन का दौर है, हमेशा फैशन बदलता रहता है, साल दर साल नए जूते का ट्रेंड आता रहता है, तो उसके लिए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? भैया अपने वो काम है, जैसे फैशन में आ रहा है वो तो लाना ही पड़ेगा, लेकिन ज्यादा भी हिसाब से लाओगे डिजाइन, वो भी 1-2 बिकेगा पीस, फिर बिकना नहीं, वो रखा रहेगा। तो इसलिए ऐसा लाओ जो बिकता भी रहे, काफी टाइम तक चलता भी रहे। जैसे हम पुमा नाइकी वगैरह के ओरिजिनल माल उठाएं, तो सबसे सस्ता हमें कहाँ पर मिलेगा? जो ये ओरिजिनल अगर आपको लेना तो NCR में कालकाजी पे ओरिजिनल मिल सकता है, और वो सबसे कम रेट में। जी, ओरिजिनल शूज जो लेने हैं वो कालकाजी से, और अगर फर्स्ट कॉपी लें तो वो कहाँ से उठाने पड़ेंगे? सर वो अपना वही करोल बाग, कहीं से भी जहाँ जिसका हिसाब है वहाँ से ले लो। हिमांशु जी, अगर आपसे कोई जूते खरीदने चाहे तो उसे कहाँ आना होगा? भैया यही बिजनौर में नियर शक्ति चौक ISH कॉम्प्लेक्स बेसमेंट में है हमारी शॉप। जी, ये थे हमारे साथ हिमांशु जी, शूज स्टॉपर्स के मालिक, जिन्होंने हमें जूतों के बिजनेस पे हमें जानकारी दी।